मोगा में बीते दिनों टेम्पो चलाने पर रोक लगाई गई थी, जिससे करीब 400 से अधिक टेम्पो चालकों के परिवारों पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। प्रशासन के मुताबिक टेम्पो चलाने पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। इस रोक को लेकर टेम्पो यूनियन की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब टेम्पो चालकों के समर्थन में सभी किसान संगठन सड़कों पर उतर आए। सभी किसान संगठन ने मोगा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दिया। किसानों ने कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टेम्पो का कारोबार खत्म कर चालकों को बेरोजगार कर रही है। टेम्पो चालकों की मांग पूरी नहीं होने पर धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब सीनियर मीत प्रधान कुलविंदर सिंह। असी पैसेंजर टेंपू यूनियन के पहले दिन तो इन्हों के नाल आ। यह जी डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा वा, ये मिली भुगत के नाल जिहड़ा प्रशासन के जिहड़े पूंजीपति आ जां पूरी बस इन्हां रल के, तो ये 150 टेंपू जिहड़े रोजगार आ इन्हां दे परिवार जुड़े आ, 150 टेंपू उन्हां नाल ये जुड़े आ, तो इन्हां नूं कहिंदे भी बंद कर दो टेंपू, जबकि असीं कहिंदे आ भी कोई सानूं कोई ऑर्डर ये लाया जी। असीं पहलां 3 महीने तो इन्हां ने साडे 3 व्हीलर बंद करते आ। नरोतमपुरी ते डीसी दफ्तर दा जिहड़ा आह रीडर आ सतनाम सिंह, इन्हां दी सहि ते साडे 3 व्हीलर बंद कराए गए आ। जो भी असं इतने दफ्तर चाहते हैं तो सानू कोई सही रास्ता नहीं इन्होंने दिखाया। उदू बाद असी MLA के बार चो एक महीने तो उत्ते हो गए धरना लाया। 24 तरीक नूं साडे नाल किसान यूनियन ने साडी बांह फड़ी, तो उत्थे उहदा असी पिट स्यापा किया। उदू बाद इन्होंने 6 तरीक का टाइम दिता सीगा भी आपां 6 तरीक नूं DC दफ्तर तो धरना ला के, उदू बाद 7 तरीक नूं आपां जे प्रशासन ने ना चलाए तां यूनियन चलाउणगीआं।